देश में दिल्ली समेत 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। अब बर्ड फ्लू मुर्गियों में फैलना शुरू हो गया है। अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के 2 पोल्ट्री फार्म में संक्रमण के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 100 से अधिक पक्षी मृत पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। वही 11 जिलों के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है। हरियाणा में सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यूपी में जगह जगह बर्ड फ्लू के लिए छिड़काव शुरू हो गया है। केरल में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। बर्ड फ्लू पर दिल्ली समेत 6 राज्यों में दस्तक है। 6 राज्यों में अलर्ट है। दिल्ली में 100 से अधिक पक्षियों की मौत सामने आई है। गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिन के लिए बंद है। 11 जिलों के लिए बनाई गई है रैपिड रिस्पॉन्स टीम। दिल्ली से 104 सैंपल टेस्ट के लिए जलंधर भेजे गए हैं। 48 डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है दिल्ली की। दिल्ली में 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। नंबर है 2389038। हरियाणा में 4 लाख मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। वहीं यूपी में जगह जगह बर्ड फ्लू के लिए छिड़काव शुरू हो गया है। केरल में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की भी पुष्टि हो गई है। 4 जंगली मुर्गों की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। भोपाल रिसर्च सेंटर में सैंपल भेजे गए थे, उसके बाद यह पुष्टि हो गई है कि वहां पर भी बर्ड फ्लू है। कानपुर चिड़ियाघर में 2 तोतों की मौत की भी खबर है और यह मौत की खबर भी बर्ड फ्लू के कारण आई है। कानपुर चिड़ियाघर में 2 तोतों की मौत की खबर है और बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सैंपल में बर्ड फ्लू पाया गया है। बात करते हैं एक और बीमारी की जो देश में चिंता बढ़ा रही है। कई राज्यों में स्वाइन फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद दहशत है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पक्षियों की मौत के बाद सतर्कता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू का कोई पुष्ट केस सामने नहीं आया है, लेकिन पक्षियों की मौत के बाद सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में बाहर से जीवित पक्षियों का आयात बंद कर दिया गया है। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आने के बाद बर्ड फ्लू की दहशत भी बढ़ गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली में भी पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेस 3 के सेंट्रल पार्क में शनिवार को भी 7 कौवे मृत पाए गए। यहाँ पर 6 से 7 कौवे जो हैं वो मृत हैं। और अगर शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को एक टीम आई थी और उस टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया था। इसके अलावा द्वारका इलाके से भी सैंपल कलेक्ट किया गया था। हत्सल एक तीसरी लोकेशन थी जहां से सैंपल कलेक्ट किया गया था और हत्सल का जो सैंपल है वो जलंधर भेजा गया था जांच के लिए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है। मयूर विहार और हस्तसाल इलाके के DDA पार्क में कई पक्षी और कौवों के मरने की खबर के बाद संजय झील में शनिवार को 10 बतखें मृत पाई गई हैं। वहीं जसोला पार्क में भी करीब 26 कौवों के मृत पाए जाने की खबर है। दिल्ली में पक्षियों के मरने की खबर के बाद दिल्ली सरकार भी सक्रिय हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया मृत पक्षियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। सोमवार को जांच के नतीजे आने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जलंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद करने के साथ साथ जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इम्पोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। दिल्ली में 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन 2389038 शुरू की गई है। हर जिले में सर्विलांस के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा पशु विभाग के अधिकारी पक्षी बाजारों और जलाशयों पर नजर बनाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टीमें गाजीपुर मुर्गा बाजार, शक्ति स्थल झील, भलसवा झील, संजय झील, दिल्ली चिड़ियाघर, हौज खासगांव, पश्चिम विहार और द्वारका स्थित डीडीए पार्कों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। देश के कई राज्यों से पक्षियों की मौत और बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य की सरकारों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका, ताकि कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू बड़ी मुसीबत ना बन जाए। रूफी जारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ अतुल तिवारी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रमोद काम रुक करेंगे दिल्ली से, हिमांशु हमारे साथ कोटा से मौजूद रहेंगे, शैलेंद्र इंदौर से रहेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ नरेश चावला हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी आई में और साथ ही साथ रमेश सालवे जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन के। लेकिन उससे पहले दिल्ली में पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खासतर तौर से क्रोज कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं, उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले रुक करते हैं प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट का। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला भी नहीं है कि देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस वक्त हम मयूर विहार के A2 ब्लॉक में खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौवे किस हाल में पड़े हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों में करीब 150 से ज्यादा कौवे इसी पार्क में मरे हुए मिले थे, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन के लोग आए और उसके बाद उनको ले जाने के बाद सैंपल जो है वो जांच के लिए भेज दिए हैं। यहाँ पे कुछ अगर कौवे जिंदा हैं तो वो उड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही जगह जगह कौओं ने अपना दम तोड़ा हुआ है। प्रशासन के लोग आए और उन्होंने यहाँ से कौओं के सैंपल लेके जालंधर भेजे, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश भर में अलर्ट किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हजारों मामले बर्ड फ्लू के सामने आए हैं। दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जालंधर जो है सैंपल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बर्ड फ्लू का ये खतरा कितना बड़ा है। फिलहाल एहतियातन दिल्ली सरकार भी नज़र बनाई हुई है और जो मंडियां हैं, मुर्गा मंडी या ऐसी जगह हैं, उन्हें 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है और लगातार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी खास तैयारी में जुट गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। प्रमोद हमारे साथ मौजूद थे जिनकी हमने रिपोर्ट देखी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अतुल आपका रुख करते हैं कि करके क्या रिपोर्ट है इस वक्त अहमदाबाद से, गुजरात से, क्योंकि बाकी जगहों पर दिल्ली समेत बाकी राज्यों पर जैसा आप रिपोर्ट देख रहे हैं, आप ये खतरा और ये संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, क्या गुजरात की खबर? बिल्कुल सचिन जी, अगर बात की जाए गुजरात की तो गुजरात के अंदर जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ के अंदर मणावदर से एक जो बर्ड है वो बर्ड फ्लू की वजह से मृत्यु हुई हो, ऐसी जो रिपोर्ट है वो अब तक मिली है। मतलब कहा जा सकता है कि गुजरात के अंदर एक बर्ड की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करीबन 130 जितने ऐसे बर्ड्स हैं कि जिनकी मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है और अलग अलग इलाकों में ये 130 बर्ड्स जो हैं उनकी मृत्यु होने की वजह से कुछ बर्ड्स के सैंपल लेकर भोपाल की
लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, करीबन 5 से 6 दिन खास करके इस ये रिपोर्ट जो है वो आने में लगते हैं और इस अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि गुजरात में बर्ड फ्लू का खतरा कितना गहरा हो चुका है। पर अभी तक एक बर्ड की मौत की पुष्टि बर्ड फ्लू की वजह से हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वेटनरी विभाग है उसके तरफ से जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एक अलर्ट रखा गया है, खास करके जो अलग अलग सेंचुरीज हैं सेंचुरीज को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है एतरातन के तौर पे, और आने वाले दिनों में अगर कहीं पे भी ये बर्ड पाए जाते हैं इस प्रकार से तो उनके सैंपल्स कलेक्ट करके भोपाल लैब में भेजने की तैयारियां भी की गई है। ठीक है हिमांशु, क्या कोटा से खबर? हिमांशु लगता है हिमांशु तक आवाज नहीं जा रही है, ठीक है हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंची, हम उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र इस वक्त क्या मध्य प्रदेश से क्या खबर है? अभी अगर सचिन मध्य प्रदेश की बात करें तो एक के एक बाद एक 17 जिले जो है बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। सबसे अधिक मामले जो है वो इंदौर से सामने आए हैं, 250 से अधिक कौओं की यहाँ मौत हो चुकी है और 15 से अधिक कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो 3 से 4 जो है वो मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और यही कारण है कि एहतियात के तौर पर इंदौर जिला प्रशासन ने जिले में चिकन शॉप्स को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है, अंडे की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जिन होटल रेस्टोरेंट में चोरी छुपे भी चिकन शॉप परोसा जा रहा था उन पर भी देर रात कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये स्थिति अगर मध्य प्रदेश की बात करें 17 जिले जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक भी बुलाई थी और सारे कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि एहतियात के तौर पर जो है वो आवश्यक कदम उठाएं। यही कारण है कि पशु चिकित्सा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या राजस्व की टीम हो, लगातार जो है वो इन जिलों पर नजर बनाए हुए हैं जहां से लगातार बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो बढ़ रहा है ऐसे जिलों में। और इंदौर में तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बड़ी संख्या में कौओं की मौत हुई, वहां पर आम लोग जो रहते हैं उनकी भी जांच कराई गई है। हालांकि गनीमत यह है कि किसी में भी बर्ड फ्लू की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इंदौर कलेक्टर और स्वास्थ्य प्रबंधन का ये मानना है कि जो बर्ड फ्लू इन कौओं में मिला है उसका ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है। डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपका रुख करता हूं, मैंने इसलिए रिपोर्टर्स का अपने तमाम जगहों का रुख किया। सर सबसे बड़ा कंसर्न यह है जिस कारण से दिल्ली में भी गाजीपुर मंडी को बंद किया गया कि ह्यूमन ट्रांसमिशन तो नहीं है, और क्या ये हो सकता है, कितनी इसकी संभावना है, क्योंकि पहले कौओं की मौत की, फिर तोतों की, बीच में बतखों की, और अब लगातार जो है मुर्गों के मरने की खबरें जो आ रही हैं, ये कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है सर? देखिए जैसा कि आपने कहा कि कोरोना का स्केयर अभी खत्म भी नहीं हुआ है और ये बर्ड फ्लू आ गया, तो लेकिन जो अभी तक एक्सटेंड दिख रहा है वो बहुत ही लिमिटेड है। और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी एहतियाती कदम लेना शुरू कर दिया है। तो मेरा सुझाव अभी तो यह है कि इट इज़ नॉट अलार्मिंग, बट व्हेन इट कम अलार्मिंग हमें पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन इतना ही मेरा सुझाव है आपके चैनल के थ्रू लोगों से कि सरकार जो कर रही है वो अलग करे, जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है प्लस जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी देखते रहे आसपास, जैसे डीडीए पार्क्स में, जैसे लेक में कोई ऐसी डेथ रिपोर्टों बताया जाए, प्लस द यूज ऑफ दिस पोल्ट्री थिंग्स जिसमें कि लार्जली चिकन वगैरह आता है वो थोड़ा सा कम किया जाए, फिलहाल तो बंद ही कर दिया जाए। और उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभी नथिंग टू वरी, बट द सिचुएशन इज पोटेंशियली स्केयरिंग, और कोरोना के स्केयर के होते हुए जो कि दूसरी स्केयर अभी ब्रिटिश स्केयर की चल रही है और प्लस हमारे देश की वैक्सीन शुरू होने वाली है, हम कोई दूसरी बड़ी चीज़ हमारा देश के लोग इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही आज 10वां महीना हो गया है और लोग बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऑल प्रिकॉशंस एट ऑल लेवल्स टू बी टेकन। ठीक है डॉक्टर सालवे, अब आम आदमी इसलिए कंसर्न करता है कि जब वो रिपोर्ट सुनता है कि मेरा उससे क्या लेना देना, मैं इसे कैसे एसोसिएट करूं कि अगर पक्षी मर रहे हैं, कौवे कहीं मरे हुए हैं, या मेरी बालकनी में कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊपर से कोई पक्षी गिर के मर जाए तो मैं उसको कैसे वहां से हटाऊं या क्या चीजें करूं, और सेकेंडली अगर वो पोल्ट्री या फिर नॉन वेजिटेरियन चीजें खाता है तो वो फिर कैसे परहेज करे या क्या कुछ करे, एक आम व्यक्ति जो है इससे कैसे रिलेट करे अभी जो चल रहा है? बिल्कुल, जो अभी हमारा कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके वजह से थोड़ा पैनिक सेट इन कर गया है, लेकिन ये बर्ड फ्लू होना हर दूसरे तीसरे साल आप देखते हैं आम बात है बर्ड्स में। आम जनता के लिए यही 2-3 सुझाव है मेरे
एक तो अगर कोई ऐसी आकस्मिक आपको बर्ड या फिर कोई पोल्ट्री का डेथ पाई जाती तो उसको रिपोर्ट करें, उसको छुए ना, उसके पास ना जाए, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू होता है ये यूजुअली जो अब तक केसेस पाए गए हैं इंसानों में भी, पूरे दुनिया में अब तक 1500 के आसपास केसेस पाए गए हैं पिछले 2 दशकों में, तो ये कॉन्टैक्ट से फैलता है और उनमें ये फैलने की संभावना होती है जो इनके बर्ड्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो पोल्ट्री के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो लोकल बर्ड मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनमें फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो दूसरा सुझाव ये होगा जो पर्यटन के लिए जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो बर्ड्स से दूर रहें और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनमें संभावना फैलाने की ज्यादा होती है। तीसरा सुझाव है जो हम मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हम उसको खाए ना खाए, ये फ्लू रॉ खाने से फैलने की संभावना ज्यादा है। तो जब भी आप मीट खाएं, अंडा खाएं, उसको उबाल के खाएं, उसको अच्छे से पका कर खाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खाना बंद कर दें, उसको खाना है तो, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड है, इसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, तो इसलिए मेरा यही सुझाव रहा है कि इसको कच्चा ना खाएं और काफी सैनिटाइज जो डिमार्केटेड एरिया से वहां से ले, डिमार्केटेड एरिया से वहां खाएं, जैसा कि अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश में जो इलीगल तरीके से मीट परोसा जा रहा था उसको बंद किया गया है, सिमिलर ऐसी जगह से ना लें, अगर आपको खाना है तो उसको अच्छे से पका के खाएं। तीसरी चीज है सतर्क रहें, जानकारी लेते रहें और अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि हम कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और ये बर्ड फ्लू पैंडेमिक भी रूटीन है, जैसे सीजनल फ्लू होता है इंसानों में सर्दी जुकाम होता है, वैसे बर्ड्स में होता है, हर तीसरे दिन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये आउटब्रेक की तरह हमें दिखता है बर्ड, लेकिन इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है और अभी भी सरकार सतर्क है और काफी कार्रवाई चल रही है, हमें भी सतर्क रहना है लेकिन पैनिक नहीं होना है और उसके रिगार्डिंग सतर्क रहना है। ठीक ठीक है प्रमोद, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, जलंधर सैंपल भी भेजे गए हैं, फिलहाल 10 दिन के लिए गाजीपुर मुर्गा मंडी और आसपास से जो सप्लाई होती थी, क्योंकि बहुत सी जगहों पर यहां से चिकन और बाकी जो है बर्ड्स जाते हैं, उसके ऊपर क्या कदम उठाए गए? देखिए गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात है इस वक्त हम जिस पार्क में खड़े हैं यहाँ पे बड़े रहस्यमय तरीके से कौओं की मौत हो रही है और जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके आसपास जो है आप मरे हुए कौए देख सकते हैं और इनके मरने का जो तरीका है वो भी बड़ा अजीब व गरीब है। पेड़ पे बैठे हुए कौए अचानक पके हुए फल की तरह जमीन पे गिरते हैं, फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और 1-2 घंटे तक ठीक ऐसे ही एक जगह पे बैठे रहते हैं, ना ये उड़ सकते हैं ना कहीं आगे पीछे जा सकते हैं और उसके बाद वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। आसपास जितने भी आप यहाँ पे कौवे देखेंगे वो ऐसी तरीके से नीचे गिरे हैं और उसके बाद लगातार वहीं पे बैठे बैठे फिर उन्होंने दम तोड़ दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पार्क में सिर्फ कौओं के अलावा कबूतर, चिड़िया या बाकी दूसरे पक्षी भी है लेकिन मौत सिर्फ कौओं की हो रही है। पिछले 3 से 4 दिनों में करीब 150 से ज्यादा कौए ने यहाँ पे अपना दम तोड़ दिया है, जिसके बाद इस पार्क को बाकायदा बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के केयरटेकर का साफ कहना है कि जितने कौए, ये मयूर विहार फेज 3 का B2 ब्लॉक का ये पार्क है और यहाँ के केयरटेकर का कहना है कि ज्यादातर कौए हैं वो अब यहाँ से दम तोड़ चुके हैं, बहुत ही कम कौए यहाँ पर इस पार्क में बचे हुए हैं और इस पार्क में अगर हम घूमने जाएंगे तो जगह जगह पर अभी भी कौए मरे हुए पड़े हुए हैं, यानी 10 से ज्यादा कौए इस पार्क में अभी भी मरे हुए हैं या फिर ऐसी स्थिति में है जो कि थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। सचिन, अब डॉक्टर नरेश, इसे कैसे समझा जाए कि आदमी जाता है पार्क में, अब मैं इसको ऐसे रिलेट करूं, आदमी जाता है पार्क में वो सैर करने के लिए जा रहा है, अचानक से हमने देखा है, प्रमोद रिपोर्ट कर रहे थे और भी जो मेरे सहयोगी वो भी बने हुए हैं कि आस पड़ोस के पार्क में अचानक से कौवे पक्षी मरते चले जा रहे हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि सैंपल्स भेजे गए हैं और ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो आई वुड ओनली से प्रिकॉशंस। यस, आपने पूछा कि कोई पार्क में सैर करने जाता है उसको ऐसे 10-12 कौवे मरे जाए तो क्या सोचे, तो ये काम शायद वेटरनरी डिपार्टमेंट का है, वो कर रहे हैं, वो सैंपल्स लेके भेजे जा रहे हैं, बट ये चीज़ और फैलनी नहीं चाहिए।
इट शुड नॉट बिकम ए स्केयर, क्योंकि जहां तक दिल्ली वासियों और देशवासियों की बात है, पिछला 10 महीने का कोरोना स्केयर हमें मेंटली तोड़ चुका है और हम किसी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो और प्रिकॉशंस की जाए, पैनिक ना किया जाए और जल्दी जल्दी सी प्रिकॉशन लेके, जैसे मुर्गा मार्केट गाजीपुर में बंद की गई है और एक अलर्ट लाइन जारी कर दी गई है। तो हमें सिर्फ चिंता इस बात की है कि जो ये बर्ड फ्लू है, ये ह्यूमंस में नॉर्मली ट्रांसमिट एक बार हो जाता है, तो क्योंकि 2016 में ये हुआ था और इसकी बहुत ही हैवी कीमत है, इकोनॉमिक कीमत भी है और एक स्केयर है और नॉनवेज मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ही नुकसान होता है और जो वन विभाग जो ये पशु विभाग का नुकसान तो होता ही है। तो प्रिकॉशंस यस, अभी दिल्ली वासियों को पर से ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो भी हम कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उसको पका के खाएं, पर से सब कुछ बंद कर देना, अंडा बंद कर देना ऐसी कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया जाए उसको अच्छी तरह कुक करके खाया जाए, ये बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने सलाह दी। और दूसरा ये कि डरना नहीं है, अभी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन जो सरकारें हैं वो अपनी तरफ से एहतियात ले रही हैं और जो सैंपल्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये फैला है, एक बार वो नजर हम आपको दिखा देते हैं कि स्टेट वाइज इस तरीके का फिगर क्या है, किस तरीके की इस वक्त कोरोना की जो संख्या, जो बर्ड फ्लू की संख्या है वो नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 3,409 पक्षियों की मौत रिपोर्ट हुई है। केरल में सबसे ज्यादा बतखों की सबसे पहले मौत रिपोर्ट हुई थी। जम्मू कश्मीर में 150 कौओं की मौत है। दिल्ली में भी 150 कौओं की मौत है, लेकिन प्रबोध ने कहा कि यह संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिस पार्क में वो मौजूद थे और उसके बाद उनके सैंपल भी भेजे गए हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।